झांसी की प्रभारी मंत्री बीवी रानी मौर्य जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। दीदी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है मेयर प्रत्याशी के लिए और पूरी झांसी के जो पार्षद हैं, तो क्या कुछ ताना वाना कसा है? आप ताना वाना नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, संगठित किया है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ाएंगे। क्या कुछ स्थिति है यहाँ, जो बताया जा रहा है चिड़गांव की जो एक सीट है वहाँ तो जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने सीधा समर्थन दे दिया भाजपा को, तो ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने बात की, वो बड़े वरिष्ठ हैं और लगातार चुनाव जीतते ही हैं, उनका एक सम्मान है, यही समझाया गया उन्हें, तो उन्हीं ने उनको समर्थन दे दिया और वो बिल्कुल निर्विवाद हो गए। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर हैं, सभी जगह मौजूद हैं, और जो चिड़गांव की सीट तो निर्विरोध हो गई, ऐसे इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, उसी के कारण ये संभव हुआ है। दीदी, एक प्रश्न और है कि झांसी के कुछ लोगों ने जब टिकट का वितरण हुआ उसके बाद कुछ महिलाओं ने, कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने यह आरोप लगाया कि पैसा लेके टिकट पार्षदों का दिया गया, तो ये झांसी के लोगों ने? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है ऐसा कुछ भी, ना हमसे किसी ने शिकायत की है। तो ये है बेबी रानी मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें पार्टी के लिए काम कर रही है। कैमरा जसवंत के साथ मैं सोनी, हिंदी खबर, झांसी।